ये लेफ्ट एट्रियम है। अगर हम ओरिजिनल हार्ट से अगर कंपेयर करें तो ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन अभी बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हार्ट अटैक होता, हार्ट अटैक में ये वाले कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाते हैं और बड़ा कम इसके मूवमेंट होते हैं इस वाले हिस्से के, यहाँ के। और अगर किसी के दिल में छेद हो तो यहाँ पे, अगर ऊपर वाले दोनों चैम्बर के बीच में छेद हो, शंटिंग हो रही हो ब्लड की, तो यहाँ पे ब्लड क्रॉस करता दिखाई देता है हमें। और अगर किसी के नीचे वाले वेंट्रिकल्स में छेद हो, ये देखिए, अगर दोनों एट्रियम के बीच में छेद होगा तो यहाँ पे शंटिंग होगी ब्लड की, और जो प्योर इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। अभी दोनों सेपरेट हैं ब्लड बिल्कुल। अगर यहाँ पे छेद होगा नीचे वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इनकी यहाँ पे शंटिंग होगी और हार्ट मिक्स में जो ब्लड है मिक्स हो जाएगा, वो अलग अलग नहीं रह पाएगा। तो इसके बड़े सारे कारण होते हैं, तो मैं एक एक कारण भी बताऊंगा आपको। यूजली तो जो हार्ट अटैक है वो जो उसकी तैयारियां चल रही होती हैं वो काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से चल रही होती है। जब जो हार्ट की वॉल्व है, यूजली ये जो 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 वॉल है, दीवार है हार्ट की, ये इसमें पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, पूरा खून नहीं पहुंच पाता, पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब धीरे धीरे करके इनमें सारी जो ब्लॉकेज होती है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, तब जाके ये वॉल काम नहीं करती और हार्ट का इतना हिस्सा का पंपिंग नहीं होती और यहाँ ब्लड आते नहीं। अब देखिए कितना अच्छी तरह से ब्लड आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसका लंबे समय से, जब लंबे समय तक लाइफ स्टाइल में हमारी गड़बड़ियाँ होती हैं, तब हार्ट अटैक की नौबत आती है। और इसका अंदेशा लगभग 1 महीना पहले ही हो जाता है, संकेत आ जाते हैं, लेकिन यूजली उनको इग्नोर करने से, जैसे बिना मेहनत के भी थकान होना, पसीना बिना मेहनत के पसीना आ जाना, और सुबह उठ के भी पूरी नींद लेने के बाद भी फ्रेश ना होना, ये उसके सिम्टम पहले से होते हैं। तो इसके क्या कारण, मैं आपको कारण भी बताऊंगा और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए लाइव इको करके दिखाई है हमने इनकी, और एक एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैं तो उसका जो रीज़न है आपको वो भी रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ये हमारे लंग्स हैं, ये भी, इनमें भी बड़ा प्योर ब्लड होना चाहिए। अगर आजकल पोल्यूशन, जितना पोल्यूशन है या कोई स्मोकिंग करता है, तो ये ब्लैक ब्लैक लंग्स हो जाते हैं हमारे, और उसमें पूरा अच्छा प्योर ब्लड नहीं जा पाता। हार्ट अगर हमारे इफेक्टिवली फंक्शन करेंगे, तभी लंग्स को भी तभी लंग्स और हार्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है ऑर्गन, ये अच्छा काम कर पाएंगे। मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, मैंने एक एक पार्ट का डिसेक्शन करके देखा है, MBBS में एक एक हिस्से को काट काट के देखा है। ये हमारे वॉल्व हैं, वॉल्व ये बड़े अच्छी तरह फंक्शन करनी चाहिए। यही ये जो वॉल्व हैं, ये हार्ट को प्योर जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड से अलग होने में रोकते हैं। तो इनका फंक्शन नॉर्मल रहे, इसके लिए हमें लाइफस्टाइल अच्छी रखनी होगी। क्यों होती है हार्ट डिसीज़, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुने, जिससे कि हम बच सकते हैं। देखिए भारतवर्ष में 1 करोड़ लोग लगभग एक साल में एक्सपायर होते हैं, और 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक हर साल होता है। तो ये बहुत बड़ा टोल है, बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इसको समय से समझ लें तो अच्छा रहेगा। ये कोई एक दिन का लेखा जोखा नहीं है, 20, 30, 40 सालों तक मिस्टेक्स, गलतियां करते रहने से ऐसा होता है। तो हम गलतियां ना करें, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, BP ना बढ़े, हमें कोलेस्ट्रॉल BP को रोकना होगा। अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। एक तो हमें खान पान का भी ध्यान रखना होगा, खान पान जितना हो सके जो प्रिजर्व फूड है, बासी भोजन ना लें, जितना भी केक पेस्ट्री पैटीज नॉन रुमाली रोटी वगैरह, इनसे बचना, डिब्बा बंद चीज़ों से बचना होगा हमें। इंस्टेंट चाइनीज़ फूड ना लें, जैसे कि ऐसी नौबत ना आए। और जितना एनिमल फैट है, ज़्यादा मक्खन, ज़्यादा मलाई, मटन, मिठाई, ज़्यादा घी, ज़्यादा खोया, डेयरी प्रोडक्ट्स का रेशनल यूज़ करें, जुडिशियल यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें, मिस यूज़ ना करें। जब तक हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, तब तक हमें पच नहीं पाएगा, ऐसा मुश्किल हो पाएगा। तो इस फिजिकली एक्टिव रहेंगे तभी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैदा बेसन की चीज़ों से भी बचाव रखना होगा हमें, और जितना हो उसके नॉनवेज जितनी मेहनत है उतना ही लें, अदरवाइज शराब वगैरह से बचना पड़ेगा, और स्मोकिंग से भी बचना होगा। स्मोकिंग हमारे जो गलत कोलेस्ट्रॉल है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकाने में हेल्प करती है, वो चिपका देती है और उसको जाम कर, ब्लॉकेज कर देती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए 4 व्हाइट पॉइजन भी रिस्पॉन्सिबल है, 4 व्हाइट पॉइजन होंगे वो इसको ब्लॉकेज को बढ़ाएंगे। जितने भी वॉल्व हैं, वॉल्व के ऊपर जाके ये चिपकाने में हेल्प करते हैं, ये जो जितने भी टॉक्सिन्स होंगे बॉडी के अंदर, वो इनके वाल्व के फंक्शन को सिकुड़ने फैलने नहीं देते, इसके फंक्शन करने से रोकते हैं। मोटापे से बचाव रखना है हमें, जितना मोटापे को कंट्रोल में रखेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे, जैसे हम खुद मेरी फैमिली में, मैं भी और वाइफ भी 15 सालों से हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें, आप भी फॉलो करें, उसे बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी स्ट्रेस की लाइफ से बचना है, बिजी विदाउट बिजनेस नहीं रहना, हमें अपने दिन भर का लेखा जोखा ठीक तरह से रखना है।
देर से सोना, देर से उठना भी बहुत बड़ा कारण है। समय से सोएं, समय से उठें, और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, टबैको से इनसे भी बचना पड़ेगा। हाइजीन का भी ध्यान रखें, इस चीज़ का वो करें। जहाँ तक बचाव की बात है, एक तो ये जड़ी बूटियाँ भी, कुछ जड़ी बूटियाँ हमें बचा सकती हैं इसे, जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा है, ये सबसे बड़ी औषधि है जो हमें हार्ट की ब्लॉकेज से बचाएगी। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स में अच्छी तरह थोरोली काम करेगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं तो बिल्डिंग में स्मेल आने लग जाती है और फिर धीरे धीरे दीमक लग जाता है और बिल्डिंग गिर जाती है। ये सारी ब्लॉकेज को खोलता है अर्जुन की छाल का काढ़ा। तो सुबह जरूर ले लें, शादी के बाद तो हफ्ते में एक बार, वैसे हर कोई भी ले ले तो अच्छा रहेगा। अर्जुन के लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय कॉफ़ी को तो लोग नशे की चीज़ समझते नहीं, उसे बच के अर्जुन की छाल का काढ़ा ले लें। एक सुबह लौकी का जूस ले लेंगे तो भी हम हार्ट डिसीज से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का उसका इफेक्ट है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, तो इसलिए उसका भी फायदा उठाएं। एक अगर सुबह डेली शंख बजाएं उठ के, वो भी अच्छा रहता है, वो भी एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और योगाभ्यास करें तो योग जो है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलता है। लंबी सांस लेना, लंबी सांस खुश होके, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में करें। सुबह जल्दी उठने से ही हमारी हार्ट को बड़ा हेल्प मिलती है, बड़ी उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। दूसरा, अगर सुबह उठ के योगाभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये करें, और आसन भी करें, सूर्य नमस्कार वगैरह करें, उससे हमारा हार्ट ठीक होगा, इम्प्रूव होगा। उसके अलावा अलसी के बीज भी बड़े अच्छे रहते हैं हार्ट के लिए। ये देखिए, ये हैं जड़ी बूटियाँ जो कि हृदय रोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी हेल्पफुल हैं, इनका भी पूरा लाभ उठाएं। एक ही चीज़, दालचीनी का काढ़ा भी ले सकते हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। तुलसी ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा बना के। बाकी आंवला भी हार्ट के लिए अच्छा रहता है, और ये नींबू का भी सुबह उपयोग करें। गिलोय की बेल, मेथी, रात को आधी चम्मच मेथी भी होकर रख दें, सुबह उठ के उसको मेथी को चबा के खा लें आजकल। अदरवाइज सर्दियों में तो उसे लड्डू बना के भी ले सकते हैं, तो वो भी, उसे भी हेल्प मिलेगी। बाकी जो एक अचानक अगर हार्ट अटैक हो जाए, तो एक ये किट है, यूनिवर्सल किट है, जो WHO ने रिकमेंड की है, जो मुश्किल से 25 रुपए की दवाइयां हैं ये, तो